हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है एंड अभी ना मैं आपको लेके जा रही हूँ हौसखाज में अंदर जाके। यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे हमने मेट्रो लिया एंड वहाँ से हम ऑटो ले रहे हैं एंड आगे हम एक बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट एक और जगह है दिल्ली में, वहाँ जा रहे हैं। एंड वहाँ पे ना हम ट्राई करने जा रहे हैं एक बहुत ही ऑथेंटिक क्विजीन, जो कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड आपको लेके चलते हैं सफदरजंग एनक्लेव के हुमायूनपुर में। एंड यहाँ पर ना मैं बहुत बार आ चुकी हूँ एंड यहाँ पे बहुत मल्टीपल वैरायटी के रेस्टोरेंट्स हैं एंड उनमें ना मैं बहुत सारी जगह जा चुकी हूँ, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूँगी वो वीडियोस। एंड फिलहाल आगे बढ़ते हैं एंड आज का जो वीडियो है ना वो स्पेसिफिकली है नागा क्विजीन पे एंड इसी वजह से हम जा रहे हैं एक ऐसा नया रेस्टोरेंट जो हमने फिर से निकाला, वो है हेरिटेज नागा फूड। तो चलिए चलते हैं, हम आपको आगे लेके जाते हैं यहीं पर जो एरिया है। थोड़ा ना अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी होंगी तो थोड़ा जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक तिब्बतियन रेस्टोरेंट भी था, टिबेट प्लेट्यू करके, उसके आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक कर दूँगी। एंड अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं हेरिटेज नागा फूड रेस्टोरेंट में एंड हम गए थे अप्रॉक्स 1-2 बजे करीब, तो देखो एकदम खाली खाली टाइप्स था, तो दैट इज़ लाइक बहुत पीसफुल पीसफुल सा लग रहा था। एंड अंदर आके हमने देखा कि इन्होंने स्पेशियस बना रखा था, लाइटिंग भी सिंपल सी थी एंड सबसे बेस्ट पार्ट ना मुझे यहाँ का दो लगा, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये प्रॉपर नागा हेरिटेज को ना एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड अच्छी तरह से प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, ब्यूटीफुल। एंड एक और चीज़ है जो बहुत अच्छी लगी मुझे, पहले तो आप देखो ये सारा का सारा पूरा एरिया, ये जो है यहाँ पे जितने भी, जैसे होता नहीं है कि लोग अपने जो भी उनको अच्छा लगा, जो एक्सपीरियंस है, चाहे गुड एंड बैड एनीथिंग, तो वो लोग यहाँ पे अपने कमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं। आई लाइक दिस थिंग, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दिस इज़ सो मच हार्ट फेल्ट एंड पर्सनल। एंड यहाँ पे देखो ये सारा एरिया जितना भी है, हम आपको लेके चलते हैं अपने वो एरिया में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये चीज़। दिस पेंटिंग इज़ सो ब्यूटिफुली मेड, इतनी प्यारी लग रही है ये पेंटिंग। एंड अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं नागा फूड, तो फिर हम उसको दिखाएंगे आपको यहाँ का मेन्यू। एंड मेन्यू सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा है, छोटा भी नहीं बोलूँगी, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट बेस है। इसके अंदर चीज़ें थोड़ी ऐसी थी कि क्वेश्चन मार्क था कि हमें क्या लेना चाहिए, बिकॉज नागा फूड मेरे लिए अब तक जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है ना, मुझे था कि थोड़ा और अच्छा मल्टीपल कुछ वैरायटी मिल जाए, कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। तो ये रहा हमारा सारा खाना, शेफ स्पेशल चिकन विद बैम्बू एंड उसके साथ में एक प्रॉपर हमने थाली करी थी, चिकन स्मोक थाली, जिसके अंदर में दाल आया है, स्मोक चिकन आया है, सब्ज़ी आई है, जो हम आपको प्रॉपरली आगे जाके दिखाएंगे। एंड ये रहा सारा खाना एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। एंड थोड़ा सा तो ऐसा होता है ना कि मतलब किस तरीके का होगा, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरी पुरानी एक्सपीरियंस है ना इतनी अच्छी नहीं थी। और हाँ, ये था 80 रुपीज़ का क्यूकम्बर सैलड, जिसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊँगी। फिलहाल ये है शेफ स्पेशल चिकन विद बैम्बू। एंड एक्चुअली में ना मैंने बोला था कि मुझे कुछ ड्राई बेस में चिकन चाहिए जो कि स्टार्टर टाइप हो, एंड हमने थाली तो आगे ऑर्डर करी रखी है, बट ये थोड़ा आया हल्का सा ग्रेवी बेस में। नॉट कंप्लेनिंग, बट थोड़ा क्वेश्चन मार्क था ये कि हम लोग थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था ये प्रॉपर ड्राई होगा, बट इसके पीसेस हैं बहुत अच्छे। तो अभी हम ये शेफ स्पेशल चिकन विद बैम्बू को ट्राई करेंगे। एंड इसका ना खुशबू थोड़ी अलग सी ही पिक्यूलियर टाइप की आ रही थी, बट हमने तब भी इसका पहला बाइट लिया जो बहुत ही हेल्दी चिकन था। एंड टेस्ट ना मतलब ऐसा था कि हल्का सा पंजेंट टेस्ट था, थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग आफ्टर टेस्ट आ रहा था इसके अंदर में। इसका जो चिकन हेल्दी है, जूसी है, इट्स अ गुड थिंग, बट मैं सोचा कि खा के देखते हैं कि इसकी ग्रेवी के साथ खा के कैसा होगा। एंड खाने में मतलब ऐसे था कि हल्का बैम्बू का टेस्ट आ रहा था, थोड़ा मीठापन था, मुझे बोला था कि ड्राई होगा बट ये ड्राई प्योर नहीं था। एक ना कस्टम टेस्ट है जो आई थिंक अगर आप उसको सेट कर लो ना अपने माइंड के अंदर में एंड अपने टेस्ट बड्स में, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, बट नहीं थोड़ा ऐसा क्वेश्चन मार्क सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रखा था। एंड इसकी हमने सोचा कि थोड़ी ग्रेवी अलग से ट्राई करके देखते हैं, तो ग्रेवी ना मतलब ऐसी थी कि कुछ अलग सा ना, एक थोड़ा ऐसे पंजेंट स्मेल आ रही थी जो इतनी पसंद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसका जो बैम्बू है इसको ट्राई करें, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ शेफ स्पेशल चिकन विद बैम्बू। तो मैं थोड़ा ऐसे हल्का हल्का ट्राई करके हमने खाया, एंड अंदर से जूसी बैम्बू है बट
इसका ना मतलब ऐसे था कि ओहो, मतलब चबाने पे पता चला एकदम से उसका जूस जब प्रॉपरली गोल गोल घूमा ना, मतलब ऐसे था कि अई मैं क्या ही बताऊँ, मेरे एक्सप्रेशंस देख लो, मेरे लिए तो बहुत ही ऐसा हो गया था। मैंने इसके बाद ना दाल चावल खा के अपने मुंह का टेस्ट सही करा था, एंड इस टाइम में ना मतलब मेरे लिए ऐसा हो गया था कि यार वॉट इज़ दिस, मतलब दिस नीड्स टू हैव एन अक्वायर्ड टेस्ट। एंड इस टाइम में मेरा जो 80 रुपीज़ का सैलड था कुकुम्बर वाला, जो मैं सोच रही थी यार इसमें पैसा क्यों वेस्ट करा है, बहुत ही फ़ायदेमंद था बिकॉज मैं इसको प्रॉपरली खा रही थी सैलड खा खा के। एंड ये है हमारा चिकन स्मोक्ड जो थाली के अंदर में आ रखा है ग्रेवी बेस का, इसमें दो छोटे छोटे पीस दे रखे हैं जैसे आप देख रहे हैं, एंड इसकी ग्रेवी एकदम पतली कंसिस्टेंसी की, एकदम तगड़ी पतली पतली एकदम से। तो हमने प्रॉपरली एकदम दाल जैसे चावल और ग्रेवी नहीं होता वो निकाला एंड इसको मिक्स 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 करा, एंड ये हम अपनी पहली बाइट लेंगे ग्रेवी के साथ कि ग्रेवी कैसी है। ये अपने चिकन के लेग को, दिस लुक सो हेल्दी, उसको हम खा के देखेंगे अब ग्रेवी के साथ। एंड दिस वॉज लाइक सही, मतलब मैं थोड़ी अंदर मेरे माइंड में थोड़ा डर आ गया था बिकॉज इससे पहला जो एक्सपीरियंस था भी वो इतना अच्छा नहीं था। तो मेरा था कि यार ये भी अगर ऐसा निकला ना जो एकदम थोड़ा अलग सी पंजन टाइप की स्मेल होगी या टेस्ट होगा, आफ्टर टेस्ट वो नहीं था इसके अंदर, दिस वॉज लाइक राहत की सांस आई। एंड ये हमने इसका चिकन लिया, चिकन आराम से मतलब कट गया था बट खा के देखते हैं कि कैसा है, वो वाला बहुत सॉफ्ट था, दिस इज़ लाइक अब खा के देखते हैं। एंड दिस हल्का हार्ड है बट नॉर्मल टेस्ट आ रहा है इसका चिकन का। एंड जो ग्रेवी है उसके अंदर भी ना, ट्राई करके एक बार आपको दिखाऊं मैं, ग्रेवी के अंदर ना जैसे ऐसा था कि हल्का अदरक का टेस्ट आ रहा था, थोड़ी थोड़ी स्पाइसी थी एंड ऑयली बिल्कुल भी नहीं थी। अब बारी है हमारे दाल ट्राई करने की, दाल एकदम सिंपल सी लग रही थी एंड खाने में मैंने पहले तो खा ही ली थी क्योंकि एकदम से इफ़ेक्ट हुआ था आफ्टर इफ़ेक्ट वाला, बट अभी ये खा के ऐसे था कि हाँ एकदम प्लेन सिंपल प्रॉपरली अच्छा सा, एकदम जैसे दाल का पेस्ट नहीं होता, एकदम अच्छी तरह से घोट दी गई है, एकदम अच्छी तरह से मिक्स्ड है दाल पानी सब, उसके अलग अलग से कुछ पीसेस नहीं दिख रहे हैं। तो ये हमने दाल खाई एंड इट वॉज लाइक नॉर्मल सिंपल, मतलब राहतों पे राहतें, सांसों पे सांसें। अब हम खाएंगे इसका पोटैटो की चटनी जो दे रखी थी यहाँ पर, एंड ये हमको ना देखने में तो एकदम बिहारी स्टाइल थोड़ी सी नहीं होती चोखा टाइप वो लग रहा था, एंड खाने में भी एकदम बिहार स्टाइल का चोखा लग रहा था जो ना बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टेस्ट था एंड इट वॉज़ लाइक क्वाइट नाइस। मैंने चावल के साथ भी खाया तो ये अच्छा लग रहा था, चावल दाल मिक्स मैच, तो इट वॉज़ नाइस। ये आ रखा था बॉइल्ड वेजिटेबल। अब देखो मैंने अब तक ना बॉइल्ड वेजिटेबल जब भी खाए हैं वो थोड़े ऐसे होते थे कि प्रॉपर दिखता था कि हाँ ये बॉइल्ड वेजिटेबल है। मैंने सोचा कि हो सकता है इसका पानी थोड़ा डिफरेंट होगा बट प्लेन पानी था। एंड ये इसमें बीन और भिंडी थी, बीन को तो खा लिया मैंने, भिंडी कौन खाता है, तो भिंडी हमने छोड़ दी। एंड पॉपाय तो सेलर मैन वाली फील आ रही थी मेरे को, दो वो स्पिनच खाता था एंड यहाँ पे हम बीन खा रहे हैं, बट चलो इट्स ओके। ये 80 रुपीज़ के जो सैलड था ना उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा था, इसमें मैंने नींबू वींबू डाल दिया था एंड मस्त तरह से इसको खाया था, तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा राहत की सांस दी थी। और ये मैं बोलूँगी कि हमारे जाने के टाइम पर यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी भीड़ हो गई थी, तो इट्स ऑल अबाउट कि अक्वायर्ड आपका टेस्ट क्या है, आपको वो चीज़ पसंद है कि नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पसंद हो मुझे ना पसंद हो, मुझे पसंद हो आपको पसंद ना हो, या किसी और को पसंद हो किसी और को पसंद ना हो, मतलब ये आप समझ रहे हो ना। तो इट्स ऑल अबाउट कि बहुत सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल होती हैं। तो अभी तक मैंने जितना भी नागा फूड ट्राई कर रखा है उसमें से 70% मेरा थोड़ा मिस ही गया है एंड 30% हिट गया है। तो ना मैं ट्राई कर रही हूँ कि कब मेरा थोड़ा 50-50 की रेंज में आ जाएगा या मेरा जो हिट है वो थोड़ा और एक्सीड करेगा मिस को। तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं एंड कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम जल्द ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।